अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ईयरली 15 से 20 लाख कमा सकते हैं, वो भी बिना प्राइवेट कॉलेज पर लाखों खर्च किए, ड्रीम की तरह साउंड कर रहा है ना? आई नो, आज के टाइम में जहाँ AI जॉब्स रिप्लेस करने में लगा है, इतना बड़ा सैलरी पैकेज ड्रीम ही लगता है, बट इट्स पॉसिबल। अगले 3 साल में AI 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। यहाँ तक कि कई MNCs ने तो ऑलरेडी AI से अपने एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही AI आपकी बंद किस्मत का ताला भी खोल सकते हैं? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी के मुताबिक 2030 तक AI का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 trillion का हो जाएगा। Amazon, Google, Nvidia, Accenture एंड Intel इस टाइम कोई भी ऐसे टेक कंपनी नहीं है जो AI टैलेंट्स को हंट नहीं कर रहे, और वो इसीलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पर सबसे फ्रेश स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें फ्यूचर में तो टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कंपनीज के पास इस फील्ड में हायर करने के लिए एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है। जबकि आज के टाइम कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर AI एक्सपर्ट्स या फिर AI डेवलपर्स की डिमांड ना हो, और इसीलिए तो कंपनीज एंट्री लेवल तक पर अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर रही है। एंड अगर आप भी इस फ्यूचर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 बेस्ट फ्री कोर्सेज टू बिकम AI डेवलपर इन 2023। बट इन कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मैथमेटिक्स। AI एक्सपर्ट बनने से पहले ये समझ लो कि इस इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए लीनियर एल्जेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैटिस्टिक्स, इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिसका मटेरियल वैसे तो आपको YouTube पर इजीली मिल जाएगा, पर अगर आपको ये सारे मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एक जगह चाहिए तो आप जॉन्स YouTube की इस प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं, जहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समराइज किए गए हैं। नंबर 2, पाइथन लैंग्वेज। अब जो लोग ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कोडिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें तो पाइथन के बारे में पता होगा, पर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि पाइथन मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जैसे हमें किसी से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक मशीन लैंग्वेज आना तो जरूरी है, और यही पर पाइथन आपके काम आता है, जिसका यूज मशीन लर्निंग, वेबसाइट्स, डेटा साइंसेस और कई दूसरे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में किया जाता है। एंड AI रिलेटेड जॉब्स को ग्रैब करने के लिए पाइथन की नॉलेज मस्ट है, और इसका 4-hour फ्री कोर्स द फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है, तो फ्री सीखने का मौका मिल रहा है, सीख लो। एंड जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाए, मूव फॉरवर्ड टू पाइथन लाइब्रेरीज, जो कि अलग अलग कोडिंग मॉड्यूल्स है और AI एंड मशीन लर्निंग रिलेटेड डे टू डे टास्क को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सारे तो एक साथ नहीं सीख सकते, पर AI से रिलेटेड जॉब करने के लिए एटलीस्ट 3 एसेंशियल लाइब्रेरीज, नंपी, पांडास और मैटप्लॉटलिब तो आपको आने ही चाहिए, एंड इसका लर्निंग मटेरियल भी फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। नंबर 3, मशीन लर्निंग। ओके, नाउ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ गए हैं, क्योंकि ये सीख लिया तो अब्रॉड में सेटल होना पक्का। मैं बात कर रहा हूँ मशीन लर्निंग की, जो कि आज के टाइम US और यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल्स में से एक है, विद अ स्टार्टिंग सैलरी पैकेज ऑफ $22,000 to $41,070, यानी साल का 17 से 32 लाख। पर मशीन लर्निंग है क्या, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 से 4 साल के बच्चे को जब हमें कोई नई चीज सिखानी होती है, तो हम उसे इमेजेस, टेक्स्ट एंड नंबर्स के जरिए उसके बारे में बताते हैं। जैसे डॉग्स, कैट्स के बारे में बताने के लिए पेरेंट्स पिक्चर्स बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे का माइंड उन इमेजेस को स्टोर कर लेता है, और फिर नेक्स्ट टाइम डॉग को देखते ही बच्चा उसे पहचान लेता है। ठीक उसी तरह AI के पास अपना माइंड तो है, पर वो खुद से तब तक कोई चीज आइडेंटिफाई या किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता जब तक उसके एल्गोरिदम में उससे जुड़ा डेटा अवेलेबल ना हो। एंड इस कोर्स में आपको एल्गोरिदम्स को कैसे ट्रेन किया जाता है यही सिखाया जाता है। एंड वैसे तो कई यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मशीन लर्निंग रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है, पर टेक विद टीम्स यूट्यूब चैनल पर ये फुल कोर्स फ्री में है, जहां पर आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग टू रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, लीनियर रेग्रेशन, क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर्स, सुपर वेक्टर मशीन्स एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे मेथड्स तो सीखने को मिलेंगे, बट एंड में इन मेथड्स का इस्तेमाल करके फ्लैपी बर्ड गेम कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसका भी डेमो भी मिल जाएगा। नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू AI विद पाइथन। एंड अब ये सारे बेसिक कोर्सेज के बाद टाइम है AI एडवांस कोर्सेज का। AI की मार्केट डिमांड को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए CS50's इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन डिजाइन किया है, जो edX की साइट पर फ्री में मिल रहा है। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी। इस कोर्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खुद गेम प्लेइंग इंजिन्स, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन ट्रांसलेशन जैसी टेक्नोलॉजीज कैसे बिल्ड होती है और कैसे वर्क करती है उसकी पूरी डिटेल नॉलेज देते हैं। सो जो लोग सीरियसली इस फील्ड में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5, टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क। एंड नेक्स्ट कोर्स है टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क, जो कि मशीन लर्निंग एंड AI मॉडल बेस्ड गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया शॉर्ट कोर्स है। इस कोर्स में यूजर्स को केरस, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, वैलिडेटिंग सेट्स, ट्रेनिंग सेट्स, टेस्ट सेट्स, ऑप्टिमाइजिंग वेट्स एंड बायसेस और रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन सीखने का मौका मिलता है। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अभी इसी फ्रेमवर्क पर अपने ML एंड AI मॉडल्स तैयारी कर रही है, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपको जॉब में भी हेल्प कर सकता है। नंबर 6, AI फॉर एवरीवन। पर अगर आप नॉन टेक्निकल लर्नर है जो AI के बारे में जानना चाहते हैं एंड इसे अपने जॉब
जॉब प्रोफाइल को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए AI फॉर एवरीवन कोर्स बेस्ट है, क्योंकि इसे डिजाइन ही किया गया है नॉन टेक्निकल लर्नर्स के लिए। और ये कोर्सेरा पर फ्री में अवेलेबल है, जहां आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ओवरव्यू ऑफ AI, इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सीखने को मिलेगा। हाँ, बस इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पाइथन की नॉलेज होनी ही चाहिए। नंबर 7, द मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन। अभी मशीन लर्निंग पार्ट में जब मैंने आपको ये बताया था कि कैसे AI को ट्रेन किया जाता है, तब आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि मशीन लर्निंग के बिना AI एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिन्हें सिर्फ उतना ही पता है जितना उनके अंदर फीड किया गया है। पर अगर आप मशीन लर्निंग की डेप्थ को समझना चाहते हैं और सीखने में इंटरेस्टेड है कि मशीन लर्निंग के जरिए AI टूल्स कैसे डे टू डे वर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो डीप लर्निंग AI का द मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI एक्सपर्ट एंड्रयू एनजी ने तैयार किया है। नंबर 8, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग का AI इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है ये अब समझाने की जरूरत नहीं है, बट क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन क्लिक किया है कि AI टेक्स्ट को रीड एंड अंडरस्टैंड एक्चुअली में करता कैसे है? तो इसका जवाब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके जरिए AI एल्गोरिदम्स टेक्स्ट लैंग्वेज को रीड एंड अंडरस्टैंड करना सीखता है। एंड इस पूरे कोर्स को आप स्टैनफोर्ड ऑनलाइन की CS224N YouTube प्लेलिस्ट से फ्री में सीख सकते हैं, जहां आप इस कोर्स के अंडर ट्रांसफॉर्मर्स, बोल्ट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और ChatGPT एंड बर्ड लाइक AI प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं ये सब सीख सकते हैं। नंबर 9, लर्निंग जनरेटिव AI। आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम सिर्फ टेक कंपनीज ही नहीं बल्कि कॉल सेंटर्स, मीडिया, रिसर्च, फाइनेंस, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स भी प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए AI टूल्स को डेली बेसिस पर बहुत यूज कर रहे हैं, स्पेशली टूल लाइक ChatGPT जो कि एक मल्टीटास्कर AI टूल है। बट 90% लोग तो जानते ही नहीं कि एक्चुअल में ये AI टूल यूज कैसे होते हैं। अगर आप भी ChatGPT को सीखने में इंटरेस्टेड है तो डीप लर्निंग AI की साइट पर ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा टू लर्न अबाउट हाउ टू यूज ChatGPT फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ टू यूज द ChatGPT API। नंबर 10, गूगल जनरेटिव AI कोर्स। बट इन केस आपको ChatGPT प्रॉम्प्ट कोर्स लॉन्ग एंड ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट या फिर प्रोफाइल से रिलेटेड AI कोर्स में ही इंटरेस्टेड है, तो इसका सोल्यूशन गूगल के पास है, जहां जनरेटिव AI से रिलेटेड 10 डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेस अवेलेबल है, जिसके जरिए आप जनरेटिव AI बेसिक, लैंग्वेज मॉडल्स, वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड इमेज जनरेशन तक सीख सकते हैं। नंबर 11, डीप लर्निंग। अच्छा, कभी आपने क्या ये सोचा है कि Alexa, Siri लाइक AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट हमारे मूड टोन को आइडेंटिफाई कर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कैसे करते हैं, कैसे ये वर्चुअल असिस्टेंट्स एंगर, हैप्पीनेस एंड फियर जैसे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं? एंड आंसर है डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग से बिल्कुल अलग है एंड मोस्ट डिमांडेड प्रोफाइल्स में से एक है, क्योंकि इसमें AI को ह्यूमन ब्रेन की तरह किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई करने के लिए ट्रेन किया जाता है। एंड ये कोर्स भी डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन के नाम से कोर्सेरा पर फ्री में अवेलेबल है। सो ये थे वो 11 फ्री AI कोर्सेज जिन्हें आपको 2023 में सीखना चाहिए और जो आपको AI इंडस्ट्री में AI डेवलपर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट जैसी हाई पेड जॉब्स को ग्रैब करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड जो नॉन टेक्निकल यूजर्स अपना प्रोफाइल चेंज नहीं करना चाहते, वो इन AI कोर्सेज के जरिए अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर अपना सैलरी पैकेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो जाओ एंड इन कोर्सेज को सीखो, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये देखो 85% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, मोटिवेशन मिलेगा तभी तो हम लोग और आपके लिए मेहनत करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।